ओके, मिड डे शोबीज़ को सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं। हमें यहाँ पे बुलाया गया क्योंकि हमारी फिल्म गुलमोहर के लिए जो है उसको बहुत सारा सम्मान मिल रहा है और वो उसको लेकर के हम बहुत उत्साहित हैं। मैं और मेरे डायरेक्टर यहाँ पे आए हुए, हम गुलमोहर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आशा करते हैं कि ये शाम जो है गुलमोहर की शाम होगी। क्या कुछ कहना चाहोगे गुलमोहर को लेके? अभी ये यात्रा गुलमोहर की शुरू हुई है और गुलमोहर जिस तरह की फिल्म में जितना प्यार इस देश ने और दुनिया ने दिया है और जिस तरह से उसको सम्मान दिया जा रहा है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं और बाकी आगे की शाम जैसे भी होगी उसको लेकर के हम काफ़ी उत्सुक हैं। क्या कुछ आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट? अभी बंदा तो चल ही रही है, बंदा इज डूइंग सो वेल गुलमोहर के बाद, और इसके बाद सूप आएगी नेटफ्लिक्स पे, उसका इंतज़ार है लेकिन उसके लिए अभी समय है। जिस तरह रिस्पॉन्स जी से मिला जी प्लेटफॉर्म से, क्या कुछ कहना चाहोगे? एक अनोखी स्टोरी थी जो लोगों तक पहुंचानी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। ये पहली बार ऐसी घटना घटी है बंदा के साथ कि OTT के बाद फिल्म थिएटर के पर्दे पे गई और वहाँ भी उसने सिंगल थिएटर्स में काफ़ी अच्छा किया और प्लेटफॉर्म्स पे इतनी बड़ी सफलता मिली इसको, और ये सफलता रुक ही नहीं रही है, लगातार लोग उसे देखे जा रहे हैं, कई लोग 10 बार 15 बार 20 बार देख रहे हैं। हमने ऐसा नहीं सोचा था, जो भी हो रहा है उसके लिए दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। फैमिली मैन थ्री मैं भी चाहता हूँ कि फैमिली मैन 3 जल्दी शूटिंग हो, लेकिन जल्दी खुशखबरी उसकी शूटिंग की आप सबको दी जाएगी। थैंक यू।